उत्तर प्रदेश के देवरिया हत्याकांड मामले में मृतक प्रेमचंद यादव के घर पर अभी बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर एक्शन पर अभी 9 अक्टूबर तक के लिए रोक लगा दी गई है। ये रोक तहसीलदार कोर्ट के द्वारा लगाई गई है। अब 9 अक्टूबर को तहसीलदार मौके पर पहुंचकर मुआयना करेंगे, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि प्रेम यादव के मकान पर शुक्रवार को तहसीलदार के आदेश पर नोटिस चस्पा किया गया था। ये नोटिस प्रेम यादव के पिता राम भवन यादव के नाम से जारी किया गया है। आरोप है कि प्रेम यादव ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए सरकारी भूमि पर आलीशान मकान खड़ा किया है। इस मामले में प्रेम यादव के परिवार या वकील को 8 अक्टूबर को तहसीलदार कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था, जिस पर शनिवार को प्रेम यादव के परिवार के वकील ने कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखा। प्रेमचंद के अधिवक्ता ने बताया कि केवल एक नोटिस दिखाया गया है, जबकि दो नोटिस साइलेंट थे, जिसे ना तो बताया गया और ना ही रिसीव कराया गया। बताया गया कि अराजी संख्या 2726 में रकबा 20 एयर में 6 एयर पर मकान और बाउंड्री वॉल दिखाई गई है, जो नवीन परती की भूमि है। अराजी संख्या 2725 अराजी रकबा 45 एयर, इसमें 20 एयर पर पक्का मकान और बाउंड्री वॉल दिखाई गई है। ये भूमि खलिहान की है। गौरतलब है कि देवरिया के फतेहपुर गांव में 2 अक्टूबर को 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 3 अक्टूबर को राजस्व विभाग की टीम ने गांव जमीन की पैमाइश की थी, जिसमें पाया गया था कि प्रेमचंद यादव का मकान ग्राम सभा की जमीन को कब्जा करके बनाया गया है। मामले में प्रेम यादव के परिवार के साथ ही कुछ अन्य आरोपियों को भी नोटिस जारी किया गया था। प्रेम यादव के मकान पर जो नोटिस चस्पा किया गया था, उसमें लिखा गया था कि ये मकान सार्वजनिक भूमि को कब्जा करके बनाया गया है, इससे राजस्व को नुकसान हुआ है। प्रशासन ने इसकी क्षतिपूर्ति के लिए रकम निर्धारित करते हुए प्रेम यादव के परिवार को इसे जमा करने का वक्त दिया है। साथ ही इस भूमि को खाली करने की चेतावनी दी गई है। हालांकि मामला अभी तहसीलदार कोर्ट में है। बता दें कि देवरिया के फतेहपुर गांव में प्रेम यादव और सत्यप्रकाश दुबे के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी को लेकर दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। पहले प्रेम यादव की हत्या कर दी गई, जिसका बदला लेने के लिए प्रेम यादव के परिवार के लोगों ने सत्यप्रकाश दुबे के परिवार पर हमला बोल दिया। इस दौरान हमलावर भीड़ के सामने जो भी आया, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना में सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, दो बेटी और एक बेटे की हत्या कर दी गई है।